देखिए क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चे के ऊपर बर्डन कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। एक तो उसे जो अपना सिलेबस है उसे भी प्रॉपर तरीके से कवर अप करना है, इसके अलावा जो चीज़ें वो स्टार्टिंग से करते आ रहा है उसे मेंटेन करना है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, अपने नोट्स बनाना, माइंड मैप्स बनाना, मतलब इतनी सारी एक्टिविटी वो लिमिटेड टाइम में करता है, जिसकी वजह से जो बर्डन होता है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। और इसका कहीं ना कहीं जो असर होता है वो उसके स्लिप साइकिल में भी देखने को मिलता है, जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते। फिर उस स्लिप साइकिल के जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं वो और ज्यादा गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है कि बच्चा जब प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं ले पाता, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो एक तो वो लेथार्जिक सा फील करता है, ऊपर से ओबेसिटी लेवल बढ़ता रहता है, और साथ ही साथ जो लर्निंग पावर है ना वो भी काफी रिड्यूस होते रहती है। और इन सब की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है फिर वो एंजाइटी का हो जाना हो या फिर कहीं मन ना लगना हो, चिड़चिड़ापन आ जाओ, मतलब वेरियस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हो जाती है ना वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में एग्जाम टाइम में स्पेशली आपको जो रेस्ट लेना, अपनी स्लिप साइकिल जो ठीक करनी है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ बताने वाला हूं। काफी खास वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप जरूर पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों की जो हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन है ना उसको मेंटेन करने के लिए एक बेटर स्लिप साइकिल का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है कि वाइल वी स्लिप, जब हम सोते हैं ना तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं ना वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को कायम करता है, यानी कि एक तरीके से आप ये मान सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज है ना उसको रिटेन करने में और न्यू नॉलेज को रिप्रेजेंट करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और सेकेंड है कि जो एक बेटर स्लिप साइकिल है ना वो हमारी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब हमारी बॉडीज के अंदर जो स्ट्रेस रिलेटेड केमिकल्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल हो गया, तो इसको रिलीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर इसका लेवल बढ़ेगा तो और ज्यादा एंजाइटी आएगी, और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा जो कि और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बेटर स्लिप साइकिल हमें इन चीजों से भी छुटकारा दिलाने में काफी हेल्प करती है, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि हमें ब्रेक लेने में काफी हेल्प मिलता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो हमें एग्जाम टाइम में अपनी स्लिप साइकिल को बेटर करने में काफी हेल्प करती है। अब सवाल है, हाउ मच रेस्ट डू 10th क्लास स्टूडेंट नीड? जी हां, कि एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट जो कि टीनेजर की लिस्ट में आता है कि उसको कितनी जरूरत है एक बेटर स्लिप की। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू स्लिप फाउंडेशन तो उसमें बताया गया है कि टीनेजर के लिए 8 से 10 घंटे की जो नींद है ना वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। इससे उसकी जो स्ट्रेस है वो भी काफी रिलीज हो जाता है, बॉडी भी अच्छी खासी रिकवर हो जाती है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपना एक स्लिप साइकिल होता है, बट ज्यादातर एक कॉमन वे में अगर बात की जाए तो ये जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। यहां पे मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर कर देता हूं फॉर गेटिंग मोर रेस्ट। तो सबसे पहले है एक्सरसाइज करना। जी हां, अपने बेड टाइम से पहले जो एक्सरसाइज का टाइम होता है ना उसमें गैप रखना जरूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो क्लोज मत रखो, थोड़ा गैप आना जरूरी है, आवर्स का, वो भी घंटों का, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि ये एक तरीके से आपकी स्लिप साइकिल को बेटर करता है, प्रमोट करने का काम करता है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए काफी बेस्ट मानी जाती है। सेकंड है, वॉच योर डाइट। जी हाँ, हमेशा अवॉइड कीजिएगा बेड टाइम से पहले हैवी मील्स, कैफीन जो होता है ना, इन चीजों को। क्या होता है, क्योंकि आप जब मॉर्निंग में वेकअप होते हो ना तो एक तो जो आपका पूरा शरीर होता है वो काफी बल्की सा हो जाता है, जिससे कि स्टार्टिंग से ही लिथार्जिक हो जाता है, समटाइम तो हेडेक भी हो जाता है और कुछ करने का मन नहीं करता, साथ ही जो माइंड होता है वो भी काफी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों को खास तौर पर आपको अवॉइड करने की जरूरत है। थर्ड है, लिमिट एक्सपोजर टू स्क्रीन बिफोर बेड टाइम। जी हाँ, देखिए हमारे स्क्रीन में ना तीन कलर होते हैं, RGB वाले, जी हाँ, रेड हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया, और ये जो ब्लू कलर होता है ना वो काफी ज्यादा हार्मफुल माना जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसका जो लेवल काफी रिड्यूस करके रखना है, बेड टाइम से आधा घंटा एक घंटे पहले तो मोबाइल का यूज या फिर लैपटॉप जैसी इन स्क्रीनों का यूज कम ही करना चाहिए, जो कि एक तरीके से आपकी स्लिप साइकिल को बेटर कर सके। एंड लास्ट है, लिमिट नैप्स। अगर आपको भी डे टाइम में नींद आती है छोटी छोटी तो आप छोटे छोटे नैप्स ले सकते हो, लेकिन रात के टाइम पे, बेड टाइम पे छोटा छोटा नैप्स ले लेना आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से फिर आप स्लीप नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम वाली चीजें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको अपने एग्जाम टाइम में ध्यान रखनी है, ताकि एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप अपनी स्टडी कर सको और इतना सभी प्रोक्रेस्टिनेशन आपसे ना हो सके। होप सो कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।